ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर मशीन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। मैं इस वीडियो में डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल को डिस्कस करूँगी। ये सारे ही क्वेश्चन आईएएस और गेट के प्रीवियस ईयर के हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वन बोल रहा है, ए डीसी सीरीज जनरेटर हैविंग अ टोटल रेसिस्टेंस 0.5 ओम इज रनिंग एट 1000 आरपीएम एंड डिलीवरिंग 5 किलोवाट एट अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। इफ अ स्पीड इज राइज टू 1500 आरपीएम एंड द लोड इज एडजस्टेड टू 8 किलोवाट, फाइंड द न्यू फील्ड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है टोटल रेसिस्टेंस, गिवन है टोटल रेसिस्टेंस मतलब क्या, टोटल रेसिस्टेंस मीन्स सीरीज रेसिस्टेंस प्लस आर्मेचर रेसिस्टेंस जो गिवन है 0.5 ओम। नेक्स्ट गिवन है स्पीड गिवन है 1000 आरपीएम एंड वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट, पावर 5 किलोवाट। जब स्पीड को राइज किया जा रहा है तब स्पीड हो जा रहा है एन टू इनिशियल मतलब एन वन है ये स्पीड 1000 आरपीएम, एन टू स्पीड है 1500 आरपीएम एंड पावर जो पी टू है वो हमारे पास है 8 किलो वाट, ठीक है ए पी वन है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या है, फील्ड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज, न्यू टर्मिनल वोल्टेज एंड न्यू फील्ड करंट, ये दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जो सीरीज जनरेटर का होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा एक आर्मेचर होगा, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा लोड वोल्टेज और यहाँ पर लोड करंट, ठीक है। यहाँ पर लोड करंट और आर्मेचर करंट दोनों ही सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आर्मेचर करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि पावर गिवन है, पी वन गिवन है 5000 वाट एंड पी वन इक्वल टू क्या होगा, वी वन आई वन, यहाँ पे वी वन गिवेन है 100 वोल्ट 1000 वाट, ठीक है। देन आई वन इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 150 एम्पियर, आई वन मिल गया। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे ई, ई नथिंग बट ई वन, ई वन इक्वल टू वी वन, जनरेटर है तो ऑब्वियसली ई वन जो होगा वी वन प्लस आई वन आर टोटल, आर टोटल इज नथिंग बट सीरीज रेसिस्टेंस प्लस आर्मेचर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 100 प्लस आई वन गिवेन है 50 इंटू आर टी हो गया 0.5, वैल्यू आएगा 125 वोल्ट, ई वन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ई वन जो होता है इज नथिंग बट के वन फाई एन वन, ठीक है, के ई वन इज इक्वल टू के वन फाई एन वन, ठीक है। और हम लोग जानते हैं फाइ इज इक्वल टू के एस सी इंटू आई ए। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ई वन इज इक्वल टू के वन के एस सी आई ए एन वन, ठीक है, फाइ इज रिप्लेस टू के एस सी इंटू आई ए, ठीक है। तो हम इन सभी दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं ई वन इज इक्वल टू के एन, ये टोटल कॉन्स्टेंट को के एन मान लिया, के एन आई ए एन वन, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं के एन वैल्यू इससे, ठीक है। तो के एन इक्वल टू क्या होगा, ई वन बाई आई ए एन ए, आई ए इज नथिंग बट आई वन, ठीक है। तो ई वन हमारे पास है 125, आई वन है 50, एन वन गिवेन है 1000, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/400, के एन इक्वल टू 1/400, के एन का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जब हमारा स्पीड राइज हो गया उस समय एन टू हमारे पास क्या 1500 आरपीएम और पावर जो होगा वो है 8 किलो वाट, ठीक है। यहाँ पर हमारा ई टू जो होगा के टू इंटू आई ए एन टू, यहाँ पे आई टू लिख देते हैं, ठीक है। तो के टू इज इक्वल टू के वन क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ई टू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/400 इंटू आई टू इंटू 1500, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई टू बाई आई आई टू इज इक्वल टू 15/4, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक और स्टेप लिख सकते हैं कि ई टू इज इक्वल टू 15/4 आई टू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलेंगे, ई टू इज इक्वल टू वी टू प्लस आई टू आर टोटल। तो हम लोग यहाँ पे ई टू जो है इसको रिप्लेस कर लेते हैं
आई टू में, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/4 आई टू इक्वल टू वी टू प्लस आई टू इंटू 0.5। अब जो भी आई टू है एक एक साइड लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/4 आई टू माइनस 0.5 आई टू इक्वल टू वी टू। देन आई टू को कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा 15/4 माइनस 0.5 इक्वल टू वी टू। तो सोल्व करने के बाद आएगा वी टू इज इक्वल टू 3.25 आई टू, ठीक है। और पी टू इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, वी टू इंटू आई टू। तो पावर हमारे पास है 8000 इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते 3.25, वी टू इज रिप्लेस टू आई टू विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। देन यहाँ पर हो जाएगा आई टू स्क्वायर, देन आई टू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 8000 डिवाइडेड बाई 3.25। सॉल्व करेंगे तो आई टू का वैल्यू आएगा 49.6 एम्पियर। नेक्स्ट आई टू पता चल गया तो अब हम लोग वी टू फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.25 इंटू आई टू इक्वल टू 3.25 इंटू 49.6 इक्वल टू 161.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फील्ड करंट जो होगा वो होगा 49.6 एम्पियर एंड न्यू जो वोल्टेज होगा वो होगा 161.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डीसी शंट जनरेटर ड्राइवन बाय अ बेल्ट फॉर्म एंड इंजन रन एट 750 आरपीएम व्हाइल फीडिंग 100 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इनटू अ 230 वोल्ट मेंस। व्हेन द बेल्ट ब्रेक इट कंटिन्यू टू रन एज अ मोटर ड्रॉइंग 9 किलोवाट फ्रॉम द मेन, एट व्हाट स्पीड वुड इट रन। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड किस स्पीड में रन कर रहा है जब ये मोटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर गिवेन है हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.08 एंड द फील्ड रेसिस्टेंस 115 ओम। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवेन है वो लिख लेते हैं। गिवेन यहाँ पर है आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.08 एंड शंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर RSH इक्वल टू गिवेन है 115 ओम, ठीक है। एंड गिवन है जब ये जनरेटर की तरह था तो 750 आरपीएम इसकी स्पीड थी और वोल्टेज जो था वो था 230 वोल्ट एंड पावर जो था वो 100 किलोवाट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते ई फाइंड आउट करने के लिए मुझे करंट पता होना चाहिए क्योंकि ई इक्वल टू होता है वी प्लस आई ए आर ए, ठीक है। और शंट जनरेटर है तो शंट जनरेटर का फिगर यहाँ पर शंट रेसिस्टेंस होगा, शंट वाइंडिंग होगा और यहाँ पे आर्मेचर होगा, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज और यहाँ पर IL, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्मेचर करंट होगा वो होगा IL प्लस ISH। तो सबसे पहले हमको ISH फाइंड आउट करना होगा। तो ISH इज इक्वल टू हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय RSH। 230 क्यों, क्योंकि यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ 230, ये दोनों ही पैरेलल है तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी हमारे क्या होगा 230 वोल्ट। सो डेट हम लोग आई जो संट करेंट होगा ISH वो निकलेगा 230 डिवाइडेड बाय 115, संट रेसिस्टेंस गिवन है 115, देन 2 एम्पियर। लोड करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लोड करंट कैसे निकालेंगे, पावर गिवेन है हमारे पास 100 किलोवाट, ठीक है। पावर इक्वल टू होता है वी आई, तो वी एल आई एल इक्वल टू 100 किलोवाट, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। देन आई एल इक्वल टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 230। सॉल्व करेंगे तो आई एल का वैल्यू आएगा 436.8 एम्पियर, ठीक है। आई एल फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, आई एल पता चल गया तो आर्मेचर करंट मिल जाएगा। आर्मेचर करंट जो होगा वो होगा IL प्लस ISH, ठीक है। तो ये हमारे पास IL है 436.8 प्लस ISH है हमारे पास 2, टोटल वैल्यू आ जाएगा 438, सॉरी यहाँ पर सॉल्व करके आएगा 434,
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 436.8 एम्पियर, आर्मेचर करंट हो गया 436.8 एम्पियर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ई, ई इक्वल टू क्या होता है, प्लस आई ए आर ए। वी गिवेन है 230, आई ए गिवेन है 436.8, आर ए गिवेन है, आर्मेचर करंट गिवेन था कितना गिवेन था, 0.08, 0.08। सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी 264.9 वोल्ट। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा बेल्ट है वो टूट जाता है, तो हमारा जो जनरेटर है वो मोटर की तरफ बिहेव करने लगता है। तो मोटर की तरफ बिहेव करेगा तो क्या होगा, अब वो इनपुट उसका सप्लाई वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगा और आउटपुट मैकेनिकल होगा। तो अब क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर ये करंट इस तरह जाएगा आईएल, ठीक है। आईएल दो पार्ट में डिवाइड होगा, आर्मेचर करंट और शंट करंट, ठीक है। तो अब इस केस में हमने देखा कि जो पावर है वो कितना मिल रहा है, पावर कितना है, वो है 9 किलो वाट, ठीक है। तो आईएल इक्वल टू क्या होगा, 9000 डिवाइडेड बाय 230, सॉल्व करने पर आएगा 39.13 एम्पियर। फील्ड करंट तो हमारा वही रहेगा जो प्रीवियस है, तो फील्ड करंट हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, आर्मेचर करंट हो जाएगा लाइन करंट माइनस शंट करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या हो जाए, रिवर्स हो रहा हो जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा आई ए का वैल्यू। तो यहाँ पर 39.13 माइनस 2, तो वैल्यू आएगा 37.13 एम्पियर। अब उस तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे ई की वैल्यू, तो ई इक्वल टू हो जाएगा, V इक्वल टू है 230, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये मोटर की तरफ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ का जो E होगा वो टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा, तो V माइनस आई ए आर ए। तो यहाँ पे आर ए पता है 0.08 एंड आर्मेचर करंट पता है 37.13, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 227 वोल्ट, ठीक है। अब हमसे हमें फाइंड आउट करना है मोटर वोल्ट, मोटर स्पीड, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एन डायर टी प्रोपोर्शनल टू होता है ई बी बाई फाई, फ्लक्स के बारे में कुछ भी नहीं तो हम बोल सकते हैं एन डायर टी प्रोपोर्शनल टू ई। एन जनरेटेड स्पीड डिवाइडेड अब मोटर स्पीड इक्वल टू जनरेटेड ई एम एफ डिवाइडेड बाय मोटर ई एम एफ। जनरेटर का स्पीड था 750 आर पी एम, मोटर का स्पीड फाइंड आउट करना है। जनरेटर का ई एम एफ आया था 264.9 और मोटर का स्पीड था 227, देन इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा मोटर स्पीड होगा वो होगा 750 इंटू 227 डिवाइडेड बाय 264.9। सॉल्व करेंगे तो मोटर का स्पीड आएगा 642.7 आरपीएम। तो यहाँ पर जो मोटर का स्पीड है वो है 642.7।